लेकिन सबसे पहले बात यूपी की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लाख दावा करें कि उनके राज्य में अपराधियों की कोई जगह नहीं, लेकिन डिप्टी सीएम के सामने ही बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इसकी पोल खोल दी। देखिए, गुंडा राज से मुक्त होगा, प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति स्थापित होगी और इसके लिए जो भी कदम उठाने पड़ेंगे हम लोग उसको उठाएंगे। कानून को हाथ में देने का प्रयास करेगा तो फिर सत्य के साथ कानून अपना कार्य प्रारंभ करेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ना जाने कितनी बार राज्य में कानून व्यवस्था को सुधार की पटरी पर दौड़ाने और अपराधियों को यूपी से बाहर दौड़ लगाने का वादा दोहराया है, लेकिन सूबे में ना अपराध थम रहे हैं और ना ही अपराधियों का खौफ। ताजा सबूत आया है मेरठ से। आपने जिस सरकार को बनाने का काम किया है, यह सरकार केवल अपराध करने वाले को नहीं अपराध के पीछे बैठे हुए। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मेरठ में बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक ले रहे थे। लगे हाथों उन्होंने कानून व्यवस्था पर कार्यकर्ताओं की नब्ज को बड़ी उम्मीद के साथ टटोला, लेकिन जवाब में पता चला कि प्रदेश से अपराध और अपराधियों की बीमारी अभी गई नहीं है। आप सभी में पूछ रहा था, क्या जो अपराधी है वो डरा हुआ इस तरह महसूस कर रहा? डरा हुआ महसूस नहीं कर रहा? कार्यकर्ताओं ने खरे खरे शब्दों में कहा कि नहीं डर रहे हैं अपराधी, रोज अपराध हो रहे हैं। हालांकि ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी, लेकिन बात संभालते हुए भरोसा दिया कि अपराधी अगर नहीं डर रहे तो हम डरा देंगे। डिप्टी सीएम मॉल रोड के पंडित दीनदयाल उपाध्याय मैनेजमेंट कॉलेज में बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक ले रहे थे। वहां पार्टी सांसद राजेंद्र अग्रवाल और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी की मौजूदगी में केशव प्रसाद मौर्य का सत से सामना हो गया। हालांकि बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने फिर कहा कि योगी सरकार में गुंडई की कोई जगह नहीं। लोग मान रहे विकास होगा, भ्रष्टाचार रुकेगा, गुंडे अपराधी आपको जो यहाँ बता रहे हैं मैं सुनकर के बड़ा आश्चर्यचकित हूँ, लेकिन पूरे प्रदेश के अंदर गुंडे अपराधी खौफ ज्यादा है। उनको यह मालूम है कि यूपी के अंदर अब गुंडई नहीं चलेगी, गुंडागर्दी के अंत करने वाली सरकार आएगी। कार्यकर्ताओं के मन में बदमाशों के खौफ से मौर्य का मन भी विचलित हुआ होगा, लेकिन उप मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं की हिम्मत बढ़ाने के लिए कम से कम 100 दिन का वक्त मांगा है। उस्मान चौधरी, मेरठ आज तक।